In this video, I will tell you how you can add point and rotation parameter. तो यहाँ पे मेरे पास एक ब्लॉक है और मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा और इसको एडिटिंग एनवायरनमेंट में ओपन कर लूँगा. नाउ यू सी कि मेरे पास इस ब्लॉक के अंदर फर्दर ब्लॉक जो है वो डिफाइन है. तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट पैरामीटर जो है वो ऐड करूँगा जिसके थ्रू आप ब्लॉक्स के अंदर जो आपके फर्दर सब ब्लॉक्स हैं आप उनको भी डायनामिक ब्लॉक के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं. तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट का पैरामीटर लूँगा और मेरे सामने ये जो एक कंप्यूटर का ब्लॉक है मैं यहाँ से इसका ये जो मिड पॉइंट है इस पर क्लिक कर दूँगा और यहाँ पर मैं इसकी पोजिशन जो है वो डिफाइन कर दूँगा. नाउ यू सी कि मेरे पास यहाँ पे एक एस्पिरेशन का मार्क आ गया है. तो मुझे इसके लिए एक एक्शन जो है वो डिफाइन करना है. एक्शन के अंदर मैं यहाँ पे इसको मूव का जो एक्शन है वो डिफाइन करूँगा. तो मैं मूव के इस बटन पे क्लिक करने के बाद अपने इस पोजीशन के पैरामीटर पे क्लिक करूँगा और उसके बाद अब मुझे अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है और ऑब्जेक्ट के सिलेक्शन के अंदर मैं अपने इस पीसी को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दूंगा. तो यहाँ पे मेरे पास मूव का एक्शन जो है वो इस पैरामीटर के साथ ऐड हो चुका है. अगर मैं इसे टेस्ट करना चाहूँ तो मैं टेस्ट ब्लॉक पे जाऊँगा और यहाँ पे मेरे पास ये जो पीसी है यहाँ पे ये देखें ये ड्रिप बॉक्स आ रहा है और मैं इजीली इसको यहाँ से मूव कर सकता हूँ इस अदर पोजिशन के ऊपर. सो मैं इसको अनडू करूँगा और इसको मैं यहाँ से क्लोज कर दूंगा. अब पॉइंट के पैरामीटर के बाद मैं यहाँ पे एक रोटेशन का पैरामीटर जो है वो ऐड करता हूँ. तो मैं रोटेशन के बटन पे क्लिक करूँगा अंडर द पैरामीटर टैब और मैं यहाँ पे मिड पॉइंट जो है वो लूँगा फॉर डिफाइनिंग द रोटेशन. अब मुझे यहाँ पे रेडियस ऑफ पैरामीटर जो है वो डिफाइन करना है. तो मैं यहाँ पे इसका रेडियस डिफाइन कर देता हूँ और ये मेरे पास इसका एंगल जो है वो आ गया. और अब मैं एक्शन के बटन पे जाऊंगा और यहाँ से मैं रोटेट का एक्शन बटन लूंगा और अपने इस पैरामीटर को सिलेक्ट करूंगा एंगल के और उसके बाद अपने इस पीसी को सिलेक्ट करके एंटर की प्रेस कर दूंगा. तो यहाँ पे मेरे पास रोटेशन का पैरामीटर भी ऐड हो जाएगा. तो मैं अब दोबारा से टेस्ट ब्लॉक पे जाऊँगा और यहाँ पे अब आप देखिए मेरे पास दो पॉइंट्स ऐड हो रहे हैं मूव का और रोटेशन का. अगर मैं इसे मूव करना चाहूँ तो ये देखिए मैं इसे मूव कर पा रहा हूँ. अगर मैं इसे रोटेट करना चाहूँ तो ये देखिए मैं इस पॉइंट के अलोन इसको रोटेट भी कर सकता हूँ. तो मैं इसको अनडू करता हूँ कपल ऑफ टाइम्स और अब मैं यहाँ पे इसकी रोटेशन को यहाँ पे डिफाइन करूँगा और फिर मैं इसे मूव कर दूंगा लाइक दिस. तो मैं अगेन कपल ऑफ टाइम्स अनडू करूंगा और इसको क्लोज कर दूंगा. नाउ यू सी कि जब मैं अपने इस ब्लॉक को मूव करता हूँ इस अदर पॉइंट पे तो मेरा रोटेशन का पैरामीटर इसी पॉइंट पे रहता है क्योंकि मैंने उसको यहाँ पे डिफाइन किया था. तो आप इसको इस मूव के पैरामीटर के साथ एड कर सकते हैं. फॉर दैट पर्पज आप इस मूव के पैरामीटर पे राइट क्लिक करें और यहाँ पे एक्शन सिलेक्शन सेट के अंदर मॉडिफाई सिलेक्शन सेट पे क्लिक करें और इस मॉडिफाई सिलेक्शन सेट के अंदर आप इस एंगल के एक्शन पैरामीटर को सिलेक्ट करके एंटर की प्रेस करते हैं. एंड नाउ अगेन टेस्ट द ब्लॉक. दिस टाइम मैं यहाँ पे अपने इस पीसी को जब मूव करूँगा अदर पॉइंट पे तो मेरा रोटेशन का पैरामीटर भी उसके साथ मूव करेगा लाइक दिस. So in this way, you can add rotation and point parameter.